Hey, Guy Ritchie. Hey, sir, Guy Ritchie. You made fantastic movies. Aladdin, Snatch, then after that, King Arthur, 2017, fantastic King Arthur. Then Sherlock Holmes. I just love those movies and they were fantastic. Thank you. Thanks a lot for that. Guy Ritchie, like that. No, mate. You have not yet watched The Gentleman. The Gentleman also have Matthew McConaughey. Me like, what do you say? Matthew McConaughey? Okay, guys, that's it. So let's talk about the movie. The Gentleman 2020 ke aayi hui. The Gentleman movie. Ye movie hai about a crime बॉसेस जेंटलमैंस के ग्रुप के बारे में है, स्पेशली एक पर्सन के बारे में जो प्ले किया है मैथ्यू मैकोनीहे ने. मिकी पियर्स का जो कैरेक्टर प्ले किया है, एक क्राइम लॉर्ड है, क्राइम बॉस है, जिसका मैरुआना गांजा बोलते हैं हिंदी में, उसके प्लांट्स है बहुत और उसका बहुत बड़ा बिजनेस है. अब इस बिजनेस को रियून करने के लिए, मतलब उस बिजनेस को हथियाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कुछ अदर क्राइम बॉसेस या फिर छोटे मोटे जो ड्रग डीलर्स वगैरह रहते हैं, वो किस तरह से प्लान करते हैं और प्लान करने के साथ में किस तरह से ये पूरी मूवी रोल आउट करती है, इसकी स्टोरी है द जेंटलमैन. द जेंटलमैन नाम क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे लोग क्राइम से रिलेटेड लोग हैं, लेकिन दे बिहेव लाइक अ जेंटलमैन आउटसाइड एंड विथ क्लास. मेन थिंग ऑफ दिस मूवी इज गाय रिची, या द डायरेक्टर गाय रिची. Fantastic, stylish and punchy director. His movie means one treat to watch, one hell of an entertainment to watch, and you will just enjoy it. The dialogues, the pacing of the movie बहुत ज़्यादा pace में रहती है, fast रहती है. कभी कभी आप समझ नहीं पाते हो कि movie में चल क्या रहा है. आपको पूरा अलर्टनेस दे के उस मूवी को देखना है, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है कि मूवी में क्या चल रहा है. ऐसी प्रीवियस उनकी मूवीज़ के बारे में भी इश्यूज हुए हैं, लोग समझ नहीं पाते पहले. देन यू गेट कैच अप विद दैट डायलॉग्स वगैरह. फिर उसके बाद में चार्ली हनम, अनदर वन मोस्ट फोकस्ड गाय ऑफ दिस मूवी. फैंटेस्टिक एक्टिंग, डायलॉग्स, पर्सनैलिटी, स्टाइल. अगेन से गाय रिची इक्वल्स टू फैंटेस्टिक स्टाइल. फिर वो कोई भी मूवी रहने दो, कोई भी एक्ट रहने दो, ईच एंड एवरीथिंग ही वर्क्स परफेक्टली वेल. देन कॉलिन फेरल का कैरेक्टर है, एक किड्स का ग्रुप चला, मतलब उसको ट्रेनिंग दे रहा है, उनके फनी इंट्रैक्शंस दिखाए गए, वो भी बहुत अच्छे हैं. मिशेल डॉकरी, शी लुक्स फैंटेस्टिक इन दिस मूवी, अमेजिंग कैरी आउट एंड पर्सनैलिटी. देन ह्यूज ग्रैंट, उनका भी रोल बहुत अच्छा है. एक रिपोर्टर प्लस इन सभी को ब्लैकमेल करके पैसा निकालने वाला एक अजीब और गरीब रिपोर्टर का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है. दैट ऑल्सो सूट्स वेरी वेल इन दिस मूवी. देन द मैथ्यू मैकॉनहे, व्हाट अ फैंटास्टिक क्लास एक्टर ही इज. हिज अर्लियर मूवी सेरेनिटी वॉज, क्या बोलेंगे उसको, बिजार मूवी ऑफ 2019-2018, बट इट वॉज गुड, हीज एक्टिंग वॉज गुड. Then his earlier movies are extremely, amazingly crafted and you will enjoy them. Some weird, but you will enjoy them. His personal life, motivations and all those things are also good. Coming back to this movie, I lost that somewhere in that. So coming back to this movie, he looks epic in this movie. It looks like he is born for role like this. टू डिटेक्टिव सीजन वन जिन जिनों ने देखा है, जिसने टू डिटेक्टिव सीजन वन मूवी देखी, सॉरी सीजन वन देखा है सीरीज का, उनको पता है मैथ्यू मैकॉनहे मतलब क्या है. एवरी वन गोना एंजॉय दैट सेम पर्सन हियर, बट इन टू डिटेक्टिव ही वॉज लाइक अ क्रेजी, क्या बोलेंगे उसको, नास्तिक डिटेक्टिव. एंड इन दिस ही इज अ वन एक्सट्रीमली वाइफ लविंग पर्सन, बट ऑल्सो very cruel gentleman style criminal. And one thing, उसने एक डायलॉग बोला है कि जो मैं जिसका धंधा कर रहा हूँ, मतलब जो गांजा का वगैरह मैं धंधा कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी फॉर दैट बिकॉज मेरा गांजा है उसके ओवरडोज से कोई मरता नहीं है. ही सेज दैट इन द मूवी, दैट्स फैंटास्टिक. व्हेन ही मीट वन चाइनीज लॉर्ड हु इज डूइंग बिजनेस ऑफ ड्रग, अदर ड्रग्स, कोकेन एंड ऑल दोज थिंग्स, व्हेन ही से your drugs kill people due to overdose, but my doesn't. So
एक अच्छा पर्सन भी है उसके अंदर. इट्स लाइक टॉमी शेल्बी, थॉमस शेल्बी ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स. सो ऐसे कैरेक्टर्स के शेड है. सो इन सारे लोगों के इंट्रैक्शंस के साथ में किस तरह से मूवी प्ले होती है, और मूवी प्ले होते टाइम एक फैंटेस्टिक स्टाइल, अगेन मैं बोलूँगा एक फैंटेस्टिक स्टाइल है गाय रिची की, जो मैंने सेम कहा था किंग आर्थर का जो मैंने रिव्यू बनाया उसमें मैंने सेम कहा था कि एक स्टाइल है जिसको आप देख के बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे. एंड इट्स अ फुल टू फन टाइम वॉच एंड एन्जॉयबल मूवी. दोज आर टू डिफरेंट मूवीज आई टॉक्ड अबाउट टुडे. आई टॉक्ड अबाउट देम टुडे. वन वॉज द वे बैक, टोटली रियलिस्टिक एंड एक्सट्रीमली हार्ट फेल्ट मूवी. एंड दिस वन टोटली फैंटेस्टिकली स्टाइल्ड, क्राफ्टेड एंड फुल्ली एन्जॉयबल मूवी फॉर ईच एंड एवरी वन. एक्शन, फन, कॉमेडी, एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, नो मेट यू आर वॉच मैथ्यू मैक्कॉनी इन दिस वन. Maybe it's kind of bit over kind of looking like that. So that's what I'm gonna say. Watch it, enjoy it, and be a gentleman. Peace. And comment karke mujhe comment box mein zarur batana ye movie aapne dekhi hai nahi dekhi hai, aapko kaisi lagi, please comment karke mujhe comment box mein batana. Peace.